हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंप्लीट फेस पे शेड करने वाले हैं और इसी तीन पेंसिल्स का यूज़ करेंगे। मैंने कल भी एक वीडियो अपलोड की थी तो वो आप चेक भी कर सकते हैं और उसी को लेके जो मैंने भी आज वीडियो बनाई है। तो शेड करेंगे ग्रीन पेंसिल के साथ जैसे मैंने कल भी बताया था। तो पहले शेड पूरा करेंगे, पूरे फेस पे हम ग्रीन कलर करेंगे, उसके बाद बाकी कलर आ जाएंगे। और ऊपर मैंने थंबनेल दिया है तो वो जाके आप पहले चेक कर लीजिए और उसी के बाद ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो चलते हैं आगे और करते हैं इसको। जैसे मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ तो बिल्कुल लाइट कर रहा हूँ और सिर्फ आउटलाइन के पास मैं थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा डार्क रखूँगा और बाकी मैं बिल्कुल लाइट शेड लगाऊँगा ग्रीन कलर के साथ। बिल्कुल सिंपल आइडिया है, जैसे मैंने कल बताया था वैसी आज मैं बनाने वाला हूँ। बस फ़र्क ये है, आज मैं फेस पे बना रहा हूँ, कल मैंने वैसे ही शेड कर दिया था, बता दिया था कि ऐसे स्किन बनानी है तो इसी फेस को हम पूरा करेंगे। तो ये वीडियो ध्यान से देखना आप। ये नहीं बनाने वाला मैं, ना मैं नाक पे कोई शेड करूँगा और लिप्स पे कोई भी शेड नहीं करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। बस मैं बताने वाला हूँ कि कैसे हमने स्किन को डार्क और लाइट रखना है और हाईलाइट करना है। पूरे फेस पे हम ग्रीन कलर कर देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट कलर लेंगे तो उसका भी वैसे ही हम शेड करेंगे। अगर आप कलर पेंसिल में नए हो तो पहले आप इसी तरह कोई रफ सा फेस बनाकर उसकी तैयारी करें। जब आपकी तैयारी हो जाए तब जाके आपने फाइनल फेस बनाना है। पहले ही जब भी कोई पेंसिल लेके आप कोई बनाते हो तो स्किन की भी प्रॉब्लम आती है, तो पहले आप इन तीन पेंसिल्स का यूज़ करके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये तीन पेंसिल किसी भी कलर पेंसिल में आ जाएंगी। 12 पेंसिल हो या इससे कम भी हो तो उसमें होगी ये पेंसिल। चाहे वो ग्रीन पेंसिल, ऑरेंज और रेड पेंसिल, इसी को लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसी के साथ भी आप स्किन बना सकते हो, बहुत अच्छी नेचुरल सी स्किन बनती है इसके साथ भी। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो भी पिक्चर है उसको देख के बना रहे हो तो आप सेम टू सेम स्किन बनानी है, आप थोड़ा सा अलग भी कर सकते हो। तो ये बात आपने बिल्कुल ध्यान में रखनी है, जब भी आपका शेड कंप्लीट हो जाए तब आपने थोड़ा सा मिक्स करना है कपड़े के साथ, कॉटन का कपड़ा लेना है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था। तो नेक्स्ट वाला कलर हमारा ऑरेंज आ गया, ऑरेंज को भी आपने वैसे ही करना है, आउटलाइन के पास थोड़ा सा डार्क रखना है और आगे चल के हम थोड़ा हाईलाइट की तरफ आएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा बिल्कुल लाइट कर देना है, आउटलाइन के पास बिल्कुल डार्क करना है जैसे मैं कर रहा हूँ इस पर। तो सेंटर पे जाके मैं बिल्कुल लाइट कर दूँगा। आँख के नीचे, माथे के नीचे सॉरी, आँख के ऊपर थोड़ा सा, वहाँ पे थोड़ा सा हम डार्क करेंगे, आउटलाइन के पास तो करना ही है। जो चीज़ें थोड़ी सी ऊंचाई पे होती हैं वो चीज़ें हम जो हाईलाइट होती हैं उसको हम कम शेड लगाएंगे, थोड़ा 3D टाइप लगेगा, नेचुरल जिसे कह सकते हैं फेस को। ग्रीन पेंसिल तो हमने थोड़ा सा लाइट किया था तो ऑरेंज थोड़ा सा हम डार्क करेंगे, थोड़ा सा आउटलाइन के पास डार्क करेंगे, बाकी थोड़ा सा लाइट करेंगे, मगर ग्रीन पेंसिल के कोड के मुताबिक थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे क्योंकि हमने ग्रीन कलर को थोड़ा सा छिपा देना है और उसमें मिक्स होके थोड़ा सा नेचुरल आ जाएगा। उसमें अभी रेड कलर आएगा तो उस पर पता चल जाएगा कि हमारी स्किन कैसी बन रही है। तो गर्दन के पास भी थोड़ा सा डार्क रखेंगे, फेस के मुताबिक थोड़ा सा डार्क रखेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा शेडो वाला पार्ट है, इस पर शेडो आ रही है, चेहरे की शेडो आ रही है, चिन की शेडो आ रही है, तो वो ध्यान में रखना है।
आपने फेस का खास ध्यान रखना है, कैसे उसकी शेप है वैसे ही आपने शेड करना है। अब हम लेंगे रेड पेंसिल, रेड पेंसिल से हम शेड करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा इसे मिक्स कर देंगे कपड़े के साथ। कॉटन का कपड़ा लेना है, जैसे पुरानी बुनैन होती है उसी टाइप का कोई कपड़ा सा हो, सॉफ्ट सा, और उससे हम थोड़ा मिक्स कर सकते हैं। इसे ज़्यादा दबा के नहीं करना। अब हम रेड कलर ले रहे हैं, रेड कलर से हम शेड लगाएंगे जो हमारा लास्ट कलर है। तो आउटलाइन के पास थोड़ा सा हम डार्क रखेंगे, तो ये चीज़ ने अपने ध्यान रखनी है। आउटलाइन के पास जैसी शेप है वैसी हमने शेड करनी है। ये सिर्फ तीन पेंसिल्स का ही आइडिया है जो मैं इसमें बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो उसमें मैं बाकी, जैसे मैं चार पेंसिल्स का यूज़ करता हूँ स्केच बनाने के लिए, वो भी मैं बताऊँगा। तो ये सिर्फ तीन पेंसिल्स के साथ ही है, तो ये भी बहुत अच्छा आइडिया है, तो आप ट्राई कर सकते हो। आउटलाइन के पास मैं कर रहा हूँ बिल्कुल शेड, जिससे ये फेस थोड़ा 3D टाइप लगेगा, नेचुरल लगेगा। आंखों के पास थोड़ा सा ऊपर डार्क होता है, तो वो चीज़ बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। कई सोचते हैं कि जो स्किन कलर है एक ही पेंसिल से हो जाएगा, नहीं, ये आपको दो चार या तीन पेंसिल यूज़ करनी पड़ती है तब जाके आपकी स्किन बनती है। जो बड़े वाले बॉक्स होते हैं उसमें होते हैं दो तीन या दो कलर होते हैं, पेंसिल होते हैं, तो वो मिक्स करके बन जाते हैं कलर। मगर जो हमारे पास छोटे बॉक्स होते हैं 12 कलर या 24 कलर होते हैं, तो उसमें हमें मिक्स करके ही बनाने पड़ते हैं, तो वो बिल्कुल नेचुरल बनता है। क्योंकि उसमें शेड आते हैं तो बीच में दूसरा शेड भी नज़र आता है, तो लगता है कि वाकई है कोई नेचुरल स्किन बना रखी है। तो यही फ़र्क है। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क होता है। पोर्ट्रेट बनाने से पहले आप इसी तरह कोई रफ सा बनाकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपकी तो गर्दन का थोड़ा रह गया, मैं गर्दन भी करूँगा। तो साथ साथ आपने मिक्स करते जाना है, जैसे मैंने आपको कॉटन का कपड़ा बताया था, तो उसके साथ आपने मिक्स करना है। जितना आप दबा के करोगे उतना ज़्यादा आपकी स्मूथ स्किन हो जाएगी, मगर मैं ज़्यादा स्मूथ नहीं बनाने वाला, क्योंकि मुझे और भी शेड करने, फाइनल टच करना है। तो बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ मैं थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ कपड़े के साथ। इसी तरह हम गर्दन के पास भी शेड करेंगे, क्योंकि गर्दन का एरिया थोड़ा सा डार्क होता है, तो
शेडो होती है, तो उसमें थोड़ा सा हम प्रेशर का अप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो ग्रीन कलर वहाँ पे थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, जहाँ पे हम डार्क करेंगे वहाँ पे ग्रीन शेड भी ज़्यादा होना चाहिए और ऑरेंज का भी शेड ज़्यादा होना चाहिए। अभी मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ, इससे थोड़ा सा नेचुरल सा स्किन बन जाता है जब ग्रीन कलर मिक्स हो जाता है कलर में। आने वाले कई वीडियो में ग्रीन पेंसिल के साथ ही पोर्ट्रेट बनाने वाला हूँ। काफ़ी आइडियाज हैं जहाँ पे हम 6 पेंसिल का यूज़ करते हैं, वहाँ पे ग्रीन पेंसिल का हम जब यूज़ करेंगे तो अलग ही तरह का टच आता है, इफेक्ट आता है स्किन में। तो ये वीडियो थोड़ी सी मैंने 20 मिनट की रखी है, तो आप इसे कंप्लीट देखिए। बस आपने ध्यान रखना है कि कैसे मैं पेंसिल की शेड कर रहा हूँ और कैसे कौन कौन से मैं कलर उसमें यूज़ कर रहा हूँ। ये वीडियो मैंने फास्ट इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि ये एक आपको बताने के लिए वीडियो है, तो स्पीड में होती तो आपको नहीं पता चलता कि कैसे शेड करने हैं, तो मैंने बिल्कुल थोड़ी सी स्पीड रखी है इसमें। तो 20 मिनट्स की ये वीडियो है, तो इसे फुल देखिए। जहाँ पे हमारा वो जो कलर रहता होगा वो हम बारी बारी करते जाएंगे और मिक्स भी करेंगे कपड़े के साथ में, हम मिक्स करेंगे उसको। इसके साथ वो हमारे जो शेड किए होते हैं वो आपस में थोड़ा सा मिक्स हो जाते हैं। We'll be right back.
तो ये वीडियो हमारी हो चुकी है, और अगर आपको ये वर्क मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो इसी तरह की मैं वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।